हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो लेक्चर्स में हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से श्री गुप्त के द्वारा जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। समुद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में फैलाया था उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त इतिहास में अपनी विजयों के लिए जाना जाता है या उसको पहचाना जाता है। वह एक महान विजेता सम्राट था। इतिहासकार विंसेंट ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर उसकी विजयों को सम्मान दिया। ऐसा भी कहा जाता है, विंसेंट के द्वारा यह कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो था वो भारत का नेपोलियन था। जिस प्रकार से पूरे यूरोप के अंतर्गत नेपोलियन ने अपनी विजय के द्वारा अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उसी प्रकार से संपूर्ण भारत क्षेत्र के अंतर्गत जो है समुद्रगुप्त द्वारा अपने विरोधी राजाओं को हरा करके और अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। प्रयाग प्रशस्ति के सातवें श्लोक में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का हमको विवरण प्राप्त होता है। प्रयाग प्रशस्ति का जो सातवां श्लोक है उसमें बताया गया है कि उसने कहाँ कहाँ और किन किन राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की थी। हालांकि इसमें विजय अभियानों का तिथिक्रम मालूम नहीं पड़ता है। ये जो शिलालेख है प्रयाग प्रशस्ति का, इसमें किस क्रम में किन राजाओं को उसने विजित किया था, कब किया था, ये तिथिक्रमवार नहीं है। परंतु यही माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपने निकटवर्ती प्रदेशों को अपने पर अपना आधिपत्य जमाया था। जो उसके निकटवर्ती प्रदेश थे उनको पहले उसने विजित किया और उसके बाद जो सीमाओं के दूर राज्य थे उनके ऊपर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त की विजयों को इस क्रम से हम देख सकते हैं। सबसे पहले उसने आर्यावत उत्तर भारत का प्रथम अभियान, आर्यावत का जो प्रदेश है यानी विंध्याचल पर्वत और हिमालय के बीच का जो भाग है वो कहलाता है आर्यावत। तो उस आर्यावत क्षेत्र के 9 राजाओं को इसके द्वारा पराजित किया गया था, उन पर विजय प्राप्त की थी। सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने आर्यावत के 9 राज्यों को पराजित किया। आर्यावत जो है वो विंध्य तथा हिमालय की बीच की भूमि है। विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच की जो भूमि है उसको जो है आर्यावत के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तरी भारत के राजाओं को विजित करके एक छत्र राज्य की स्थापना की थी। जितने भी उत्तर भारत के राज्य थे उन सभी राजाओं के ऊपर समुद्रगुप्त ने अपने विजय प्राप्त की और एक छत्र राज्य स्थापित किया था। आर्यावत में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों ने उसे संपूर्ण गंगा घाटी के साथ साथ चमणवती नदी के पूर्व से लेकर के दक्षिण में एरन तक, दक्षिण तक उसका जो भाग था एरन तक फैले हुए विशाल क्षेत्र का स्वामी बना दिया था। तो ना सिर्फ उसने उत्तर भारत के या हम कहें आर्यावर्त के बल्कि दक्षिण भारत के राजाओं के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी। आर्यावर्त गुप्त साम्राज्य का हृदय स्थल था। जो आर्यावर्त है वो जहाँ जहाँ मतलब विंध्याचल पर्वत और हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है ये गुप्त साम्राज्य का हृदय स्थल था, मतलब केंद्र था, और इसके चारों ओर उनका साम्राज्य जो था वो फैला था। इसे सुरक्षित बनाने के लिए समुद्रगुप्त ने इसके चारों ओर करद राज्यों का एक घेरा बना दिया था। करद राज्य मतलब जो उससे एक तरह से हम कह सकते हैं कि संधि कर करके ऐसे राज्यों को या उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनको अपने अधीन किया हुआ था, तो वो कहलाते हैं करद राज्य। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उन्मूलित शासक इस प्रकार थे। अगर हम देखें जो प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त के द्वारा किन किन राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की थी, 9 राजा जो उत्तर भारत के हैं उनमें सबसे पहले थे रुद्रदेव, उसके बाद अगले थे मतिल, तीसरे थे नागदत्त, चौथे थे चंद्रवर्मन, पांचवे गणपतिनाग, छठवे क्रम पर थे नागसेन, सातवें पर अच्युत और आठवें पर नंदी और आखिरी जो 9वां राजा था वो था बलवर्मा। इन 9 राज्यों के अतिरिक्त अनेक राजाओं को पराजित किया होगा। ऐसा माना जाता है कि ना सिर्फ समुद्रगुप्त ने इन 9 राजाओं को उत्तर भारत के पराजित किया बल्कि इनके अलावा भी कई राजाओं को उसने पराजित किया था। प्रयाग प्रशस्ति में आदि अनेक आर्यावर्त राज्य भाग का प्रयोग अन्य राजाओं पर विजय का द्योतक है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति उसमें ये दर्शाया गया कि ना सिर्फ इन 9 राजाओं को बल्कि इनके अलावा भी जो छोटे मोटे राज्य थे या राजा थे उनको भी उसने विजित किया था। उत्तरी भारत के जिन 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया उनमें से अच्युत, नागसेन और गणपति नाग ही प्रमुख राज्य थे। ये 3 राज्य थे, सबसे पहला अच्युत, नागसेन और गणपति नाग, ये प्रमुख राजा थे। इनके उन्मूलन द्वारा गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था उसके ऊपर इसने सत्ता स्थापित करने के पश्चात
उसने जो आठवीं राज्य थे उनके ऊपर विजय भी प्राप्त की। अब ये दूसरा अभियान था उसका, वो था आठवीं राज्यों पर विजय। आठवीं राज्य मतलब ये आठ अलग अलग कुलों के राज्य थे, इनको इसलिए आठवीं राज्य कहा गया था। उत्तरी भारत के राजाओं को विजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने विंध्य प्रदेश के आठवीं राजाओं को पराजित किया होगा। अगर हम एक क्रमानुसार, हमको क्योंकि उसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो एक अनुमान के अनुसार हमने उसका क्रम निर्धारित किया है। तो उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित करने के पश्चात समुद्रगुप्त के द्वारा आठवीं राजाओं को पराजित किया था। 8 आठवीं राजाओं को परास्त करके उसने उन्हें अपना परिचारक बना लिया था। जो 8 आठवीं राजा थे उन 8ों को उसने पराजित किया और अपने अनुसरण में ले लिया। ये राज्य जंगलों तथा पहाड़ों पर स्थित थे। प्रयाग प्रशस्ति में इन राज्यों के नामों का उल्लेख नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति में ये 8 आठवीं राज्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन कौन से थे। फ्लीट महोदय के अनुसार आठवीं नरेश आधुनिक गाजीपुर से जबलपुर तक का प्रसारित था। जो आठवीं राज्य था वो गाजीपुर से लेकर के वर्तमान में जो जबलपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत वो आठवीं राज्य आते थे। तीसरा था उसका समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत अभियान। उत्तर भारत और विंध्य प्रदेश के राजाओं को विजित करने के उपरांत समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की विजय की ओर योजना बनाई। जब उसने उत्तर भारत में और मध्य क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित कर लिया तो अगला उसका जो प्रयास था वो था दक्षिण राज्यों की ओर। उसके दक्षिण भारत के अभियानों की विशेषता है कि उसने विजित राजाओं को पहले बंदी बनाया। सबसे पहले इसने क्या किया कि दक्षिण भारत के राजाओं को सबसे पहले तो उसने विजय प्राप्त करके बंदी बनाया, फिर अनुग्रह करके उन्हें मुक्त कर देना। अभियान में 12 शासकों को पराजित किया। उसने क्या किया, उनके ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई और फिर उनको मुक्त कर दिया। अब आर्यावर्त का द्वितीय अभियान। जब कोई राजा एक क्षेत्र के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और दूसरे क्षेत्र के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है तो जो पहले से विजित राज्य हैं उसमें विद्रोह होने की संभावनाएं रहती हैं, इसीलिए उसको पुनः अभियान करना होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया आर्यावर्त का द्वितीय अभियान। दक्षिणापथ के युद्धों के वर्णन के बाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन ने पुनः आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध का वर्णन किया है, परंतु इस द्वितीय युद्ध वर्णन में कुलज का नाम नहीं है। डॉक्टर राय चौधरी आदि कुछ विद्वानों का मत है कि वास्तव में आर्यावर्त में एक ही युद्ध हुआ था। अब यह अनुमान लगाया जाता है कि वास्तव में जो है आर्यावर्त का एक ही अभियान हुआ था, 2 अभियान नहीं हुए थे। सिर्फ जो हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख लिखा है उसमें उसने 2 बार इसका वर्णन किया है। हरिशेन पहली बार संक्षेप में व दूसरी बार विस्तार में इसका वर्णन करता है। 5वां जो उसका अभियान था समुद्रगुप्त का, वो था पूर्वी सीमांत प्रदेश एवं गणराज्यों की विजय। जो पूर्व के क्षेत्र में हमारे गणराज्य थे उनके ऊपर उसकी विजय। आर्यावर्त एवं दक्षिण की विजय के बाद समुद्रगुप्त ने देश की सीमा पर बसे राज्यों को अपने अधीन करने का अभियान जो चलाया था। तो ये जो सीमा पर बसे हुए राज्य थे उनके ऊपर इसने अपना ये अभियान चलाया। उसकी दिग्विजय से उत्तर पूर्वी भारत के सीमांत राज्य जैसे पंजाब मालवा आतंकित हो गए थे। इस कारण कुछ राजाओं ने तो बिना युद्ध किए ही तथा कुछ ने युद्ध के पश्चात समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो उसको इतना अधिक आतंक हो गया था समुद्रगुप्त का कि कई राजाओं ने बिना युद्ध किए ही उसके आगे समर्पण कर दिया और कुछ से युद्ध करने के बाद उसने समर्पण करवाया। ये सभी राज्य करद राज्य हो गए। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार ऐसे 5 राज्य थे। ये 5 राज्य कौन कौन से थे, सबसे पहला था समतट। ये राज्य था उस समय समतट, ये दक्षिण पूर्वी बंगाल का समुद्र तटीय प्रदेश था। ये पश्चिम बंगाल जो है हमारा, दक्षिण पूर्वी बंगाल का समुद्र तटीय प्रदेश था। दूसरा था कामरूप, इसको आज वर्तमान में हम आसाम के नाम से जानते हैं। तीसरा है देवाक, ये आज वर्तमान में बांग्लादेश में जो ढाका और चिटगांव है वह है। फिर है चौथा नेपाल का प्रदेश और 5वां है कलपुर अर्थात कुमायूं गढ़वाल का जो क्षेत्र है ये। तो ये 5ों जो थे इसके पूर्वी अभियान के अंतर्गत इनके ऊपर उसने विजय प्राप्त की थी। इनके अतिरिक्त कुछ और गणतंत्रात्मक राज्य थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने विजित किया था। ऐसे 9 राज्य थे जो इस प्रकार है, यानी ये तो थे ही उत्तर भारत का अभियान, दक्षिण भारत का अभियान, आर्यावर्त का पुनः अभियान, फिर पूर्वी क्षेत्र का अभियान ये, और फिर और थे मालवा जैसे इसके अंतर्गत अजमेर टोंक और मेवाड़ का क्षेत्र आ जाता था। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये चित्तौड़गढ़ का इलाका जो आता था अजमेर और टोंक, ये पूरा इलाका मालवा के अंतर्गत आता था, इसके ऊपर उसने विजय प्राप्त की। फिर अर्जुनायन में ये अलवर और जयपुर का जो क्षेत्र है, अगर हम आगरा से जयपुर जाते हैं तो अलवर और
जयपुर के जो बीच का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। अगला है योधे, ये अहियावार है, आज वर्तमान में इसका अस्तित्व है पर नाम अलग हो गया है। नेक्स्ट है भद्रक, रावी चिनाव के बीच का प्रदेश। ये जो भद्रक प्रदेश था ये रावी और चिनाव नदी के बीच का जो भूभाग था उसके ऊपर इसने विजय प्राप्त की। फिर था आभीर, ये सौराष्ट्र और मध्य भारत था, मतलब गुजरात और मध्य भारत का प्रदेश, उसके ऊपर इसने विजय प्राप्त की। फिर है अर्जुन, ये नरसिंहपुर के पास का क्षेत्र था, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नरसिंहपुर है उसके आसपास का जो क्षेत्र था। फिर है समकानिक विंसा, ये विदिशा का प्रदेश जो था वो भी इसके समुद्रगुप्त के अभियान के अंतर्गत, इसके ऊपर भी उसने विजय प्राप्त की थी। फिर है काक, ये विंसा के पास का ही एक इलाका था। और लास्ट था इसमें खरपटिक, ये दमोह के पास का जो है वो क्षेत्र था। तो इस प्रकार से जो है समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना किया। छठवां उसका हम अगर देखें तो विदेशी राज्य, ना सिर्फ उसने भारत के बल्कि विदेशी राज्यों के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी। भारत की सीमा के आसपास गुप्त साम्राज्य की सीमाओं से लगे हुए कुछ विदेशी राज्य थे। समुद्रगुप्त की भारतीय विजयों की कीर्ति विदेशी राज्यों तक फैल गई थी। सभी को लगने लगा था कि एक महान सम्राट जो है वो सभी जगह विजय प्राप्त कर रहा है। विदेशी राज्य उसके मित्रता करने के लिए उससे उत्सुक रहने लगे, क्योंकि उनको स्वाभाविक है डर लग रहा था कि वो अपनी सीमाओं का विस्तार उनके प्रदेशों तक या देशों तक ना करें। समुद्रगुप्त भी कूटनीतिज्ञ था, वह अपने साम्राज्य की सीमाओं से परे के राज्यों के साथ मैत्री संबंध रखना चाहता था। कोई भी राजा जो है वो अपनी सीमाओं पर हमेशा शांति चाहता है, तो जो दूसरे देश थे सीमाओं के ऊपर उनसे मैत्री करने का वो इच्छुक था। उसने विदेशी शासकों से विभिन्न शर्तों पर सेवा और सहयोग की संधियाँ स्थापित की। यह संधियाँ निम्न आधारों पर की गई। पहला था आत्मनिवेदन, राज्यों ने मैत्री प्रस्ताव उसके पास भेजा और उसने उस मैत्री प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिर कन्योपायन, कुछ राज्यों ने राजमहल में सेवा के लिए कन्याओं के उपहार भेजे, यानी अपनी पुत्री या दासियां या महिलाओं को जो था वो समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। फिर दान देना, उनको दान भी दिया, कुछ धनराशि है, हीरे जवाहरात हैं, ये समुद्रगुप्त को दिए उनके द्वारा। और सनद, इनकी स्वायत्तता और सुरक्षा को प्रमाणित करने वाली मुद्रांकित संतों का याचन, ये भी जो था वो इस प्रकार से हम देखें तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बहुमूल्य उपहारों के साथ साथ एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ना सिर्फ उसने बहुमूल्य उपहार भेजे थे बल्कि एक दूत भी अपने साथ उन उपहारों के साथ भारत भेजा था और एक बौद्ध मठ बनवाने की आज्ञा मांगी थी। श्रीलंका के राजा ने यहाँ भेजा था और उनसे आज्ञा मांगी थी कि भारत में एक बौद्ध मठ स्थापित किया जाए। प्रशस्ति से यह भी पता चलता है कि देवपुत्र, शाही शहनशाही, शक, मरुदंड तथा अन्य द्वीप निवासियों ने बहुमूल्य उपहार समुद्रगुप्त को भेजे थे। तो हमको ये जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सिर्फ हमारे पास उसका एक ही स्रोत है, वो है प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। लास्ट में अगर हम देखें तो इसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। समुद्रगुप्त के द्वारा अपने जीवन काल में अश्वमेघ यज्ञ भी किया गया था। और अश्वमेघ यज्ञ वही राजा करता है जो कि दिग्विजयी होता है। इसके अंतर्गत एक घोड़े को छोड़ा जाता है और वो संपूर्ण क्षेत्र में घूमता है और जहाँ जहाँ वो जाता है अगर उस राज्य का राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो वो उस घोड़े को वहाँ से गुजरने देता है, और अगर अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो उसको युद्ध करना होता है। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया जिसका परिचय सिक्कों और उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से हमको प्राप्त होता है। जब उसने संपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली तो उसने अश्वमेघ यज्ञ किया। डॉक्टर विमलचंद पांडे के अनुसार प्रयाग प्रशस्ति में भी अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन हमको मिलता है, परंतु उसकी सतह की खराबी की वजह से उसे पढ़ा नहीं जा सका। है ना, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसके ऊपर अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी स्पष्ट नहीं पढ़ी जा सकती। उसका यज्ञ निर्विरोध एवं निर्विघ्न संपन्न हुआ होगा, इसके बाद ही उसने महाराजा धीराज की उपाधि जो थी वो धारण की होगी। इसके बाद हम देखें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये जो है विंसेंट के द्वारा कथन कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो था वो भारत का नेपोलियन था। स्मित महोदय ने समुद्रगुप्त के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए एक टिप्पणी की थी कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। जिस प्रकार संपूर्ण यूरोप में नेपोलियन का आतंक छाया हुआ था और उसने यूरोप के सभी देशों को पराजित करने की ठान ली थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भारत में समुद्रगुप्त ने भी ऐसा ही किया था।
वस्तुतः यह टिप्पणी समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना के लिए नहीं है, बल्कि विश्व इतिहास में नेपोलियन की महानता को जिस तरह से रेखांकित किया गया है, स्मित महोदय भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को उसी महत्व से रेखांकित करना चाहते हैं। यानी जो महत्व यूरोप के इतिहास में नेपोलियन का है, वही महत्व जो है वो समुद्रगुप्त को भी भारत के इतिहास में मिलना चाहिए। समुद्रगुप्त भारत के उन महान सम्राटों में से एक था जिसने सर्वाधिक युद्ध लड़े और उसे पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। अगर हम देखें कि भारत के इतिहास में जितने भी राजा हुए, उन राजाओं में समुद्रगुप्त ही एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपने जीवन में सर्वाधिक युद्ध लड़े और उसके पश्चात भी उसे किसी युद्ध में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। उसने सही अर्थों में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और भारत को एक राज्य का प्रारंभिक रूप दिया। अगर हम देखें तो प्रारंभिक रूप में भारत को एक तंत्रात्मक राज्य बनाने का जो उद्देश्य था वो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया। डॉक्टर बी एस भार्गव ने लिखा है कि नेपोलियन ने अपनी विजयों से संपूर्ण यूरोप को आतंकित कर दिया था और समुद्रगुप्त ने भी संपूर्ण भारत को पदाक्रांत कर दिया था, यानी सभी को अपने अधीन कर लिया था। उसकी शक्ति से त्रस्त और भयभीत होकर अनेक सीमांत प्रदेशी राज्य बिना युद्ध किए ही उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते थे। आगे हम देखते हैं, अनेक विदेशी शासक भी उससे मैत्री के लिए और संरक्षण हेतु लालायित रहते थे। ना सिर्फ भारत के बल्कि विदेशी शासक भी ऐसे थे जो उससे आतंकित थे, मतलब उससे मैत्री चाहते थे, उसकी अधीनता सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। कुछ अर्थों में समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी महान विजेता था। नेपोलियन ट्रेफलगर और वाटरलू के युद्ध में हारा था। दो युद्ध हुए थे, एक तो ट्रेफलगर का और एक वाटरलू का युद्ध, जिसमें नेपोलियन को हार का मुंह देखना पड़ा था, पर समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा। वाटरलू के युद्ध में तो नेपोलियन को निर्वासित जीवन बिताने के लिए बाध्य कर दिया गया था। जो वाटरलू का युद्ध हुआ था उसमें इसको एक टापू पर भेज दिया गया था निर्वासित जीवन जीने के लिए। बाद में वो वहां से भाग आया था, फिर उसको पकड़ा था। इसके प्रतिकूल समुद्रगुप्त को अपनी विजय यात्रा में सर्वत्र विजयश्री हाथ लगे। अगर हम तुलना करें तो तुलना में सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? समुद्रगुप्त, ना कि नेपोलियन। अब हम देखते हैं कि इतना महान विजेता राजा था तो उसको कौन कौन सी उपाधियां उसने धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कई उपाधियां धारण की थी, कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अप्रतिरथ, अप्रतिवीर, फिर है अप्रतिवीर मतलब अदम्य साहस वाला, फिर एक कृतांत परशु मतलब मृत्यु का भरसा, वो जिसके ऊपर अपनी दूरदृष्टि लगा दे वो उसके ऊपर मृत्यु का साया आ जाता था। सर्व राजा इच्छता मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। व्याघ्र पराक्रम मतलब व्याघ्र की तरह ताकत वाला, सिंह की तरह ताकत वाला। अश्वमेघ पराक्रम मतलब जिसकी शक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा शक्ति प्रदर्शित करने वाला, उसने अपने जीवन काल में अश्वमेघ यज्ञ किया था जब सब विजय प्राप्त कर ली थी। और है पराक्रमांक मतलब शक्ति का प्रतीक। तो इस प्रकार से आज हमने पूरा गुप्त साम्राज्य आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने देखा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है और उसके लिए हमने पर्याप्त प्रमाण देखे हैं, और ये सभी प्रमाण हमको जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में प्राप्त हुए हैं, जो कि हरिसेन के द्वारा रचित है। थैंक यू।